कालकन्या पिबुभुजे पुरंजना पुरंभला यया बिभूरुतः पुरुषा सद्यो निसारतामिया। शब्द अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। धीरे धीरे काल कन्या ने घातक सैनिकों की सहायता से पुरंजन की नगरी के समस्त वासियों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें सभी प्रकार से निकम्मा बना दिया। तात्पर्य, जीवन के अंत समय जब मनुष्य पर बुढ़ापे का आक्रमण होता है तो उसका शरीर किसी काम के लायक नहीं रह जाता। इसीलिए वैदिक शिक्षा कहती है कि मनुष्य बचपन में ब्रह्मचार्य का अभ्यास करे, अर्थात वह पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगा रहे और स्त्रियों से किसी प्रकार का संपर्क न रखे। जब बालक बड़ा होता है और 20-25 वर्ष का होता है तो उसका विवाह होता है। समय से विवाह होने पर तुरंत ही उसके स्वस्थ तथा हृष्ट पुष्ट बच्चे उत्पन्न होते हैं। इस समय लड़कियों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि तरुण लोग संभोग के मामले में निर्बल हैं। लड़का तभी उत्पन्न हो सकता है जब पुरुष का वीर स्त्री से प्रबल हो और यदि स्त्री प्रबल हुई तो लड़की उत्पन्न होती है। अतः यदि कोई विवाह के बाद पुत्र की उत्पत्ति चाहता है तो उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 50 वर्ष की आयु प्राप्त होते ही मनुष्य को गृहस्थ जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। उस समय एक पुत्र को बड़ा हो जाना चाहिए जिससे पवित्र परिवार का सारा उत्तरदायित्व उसे सौंपा जा सके। जब पति पत्नी को विरक्त जीवन बिताने के लिए दूर दूर तीर्थ स्थलों की यात्रा करनी चाहिए। जब पति पत्नी घर तथा परिवार से विरक्त हो जाते हैं तो पत्नी अपनी प्रौढ़ संतानों के संरक्षण में रहने के लिए घर वापस लौट आती है और गृहस्थों के कार्यों से अलग रहती है। तब पति भगवान की कुछ सेवा करने के उद्देश्य से संन्यास ले लेता है। यह सभ्यता की पूर्ण पद्धति है। मनुष्य जीवन विशेष रूप से ईश्वर साक्षात्कार के लिए है। यदि कोई जीवन के प्रारंभ से कृष्ण भक्ति नहीं करता तो जीवन के अंत में उसे स्वीकार कराने का अभ्यास कराना चाहिए। दुर्भाग्यवश न तो बचपन में ऐसी शिक्षा का कोई प्रबंध है और न अंतिम काल में ही कोई अपना परिवार छोड़ पाता है। ऐसी स्थिति है पुरंजन की इस नगरी इस देह की। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशं श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नमः विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति ना। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाति देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो अभी ये जो कथा चल रही है इसी से संबंधित एक बहुत सुंदर गीत है जो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा है, एक बार उसको गाने का हम प्रयास करते हैं। तो उसका कुछ कॉपीज हमारे पास हैं, आपको दे सकते हैं, नहीं तो वहाँ पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। भूलिया तुम्हारे संसारे आसैया, तुम्हारे संसारे आसिया पीना ना विधव्या था। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पीना ना विद्व्यथा। तुमार चरणे आसिया छियामी बलि बे दुखेर कथा, बलि बे दुखेर कथा। जननी जठारे झिलाम जखाना विषम बंधन पाशे, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे वाची ले दीन दासे। तखन भवीनु जन्म पाइया करीब भजन तवा। जन्म होइला पड़ी माया जाले न होइल ज्ञान लावा। आदरेर छेले स्वजनेर कोले हसिया काटिनु काला। जनक जानिनी स्नेहे ते भूलिया संसार लागिलो भाला।
तमे दिन दीना बालक होइया खेलिनु बालक सहा आर किछु दीने ज्ञान उपजीला पाठ पढ़ी अहरा विद्यार गोरावे भ्रमि देशे देशे धन उपार्जन कारी स्वजन पालन करी एक माने भूलिन तुम्हारे हारी के एक होना भक्ति विनोदा कांदिया कातर आती भजिया तोरे दिन वृथा खेला एको न की हो बेगाती ओ भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पे नाना दवित व्यथा तुमार चरणे आसिया आमी बोली बे दुखेर गाथा जय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद तो यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर अपने हृदय के जो उद्गार हैं वो व्यक्त कर रहे हैं, पूरे जीवन भर क्या किया मैंने। खैर वो तो बहुत बड़े गोस्वामी हैं, सप्तम गोस्वामी हैं, मगर हमारे लिए शिक्षा देने के लिए हमारा जीवन कैसे बीतता है वो बता रहे हैं। तो जो आचार्य लोग होते हैं ना वो पूरा स्कैन कर सकते हैं पूरे बॉडी को, पूरे शरीर को, पूरे मन को कि क्या चल रहा है हमारे अंदर, और उनको शब्दों में बयान कर सकते हैं। जैसे कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना पूछते बीमारी क्या है, तो बीमारी नहीं बता पाते हम लोग। डॉक्टर बोलते बीमारी नहीं बता पा रहे तो मैं इलाज कैसे करूं आपका, दवाई कैसे दूं। तो फिर कोई साथ जाता है, कोई बड़ा साथ जाता है, बोले इसको ये बीमारी है, इसको भूख भी नहीं लगती है ना, बार बार उल्टी आती रहती है, ये बड़ी सारी शिकायतें हैं इसकी, तो समझा देते हैं। तो ऐसे आचार्य भी करते हैं कि हमारी जो बीमारी हमें पता ही नहीं है, हम बता नहीं पाते हैं, तो हमारी बीमारी को वो वैष्णव गीत के माध्यम से बता सकते हैं। तो क्या बीमारी है, तो ये बीमारी लगी हुई है ना महाराज प्राचीन बहिष्ठ को, सकाम कर्मों की बीमारी है, अपने आप में ही अपने परिवार में ही खुश रहने की बीमारी है, इस संसार को भोगने की बीमारी है, इस शरीर में अच्छा अच्छा लगने की बीमारी है। तो जैसी बीमारी होती है तो भगवान कृपा करके हमारे जीवन में संत को भेजते हैं, एक साधु को भेजते हैं। तो ऐसी प्राचीन भरिषित जो राजा हैं जिनके कथा अभी चल रही है, तो उनको भी उनके जीवन में भी एक संत आते हैं जिनका नाम है नारद मुनि। नारद, नार द, नार मतलब नारायण, द मतलब देने वाले, जो नारायण को देने वाले हैं। तो क्या करते हैं पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, जोर से बोलते हैं कोई है नारायण लेने वाला, नारायण नारायण मैं तो बेचने आया हूँ नारायण को, कोई तो ले लो, कोई कस्टमर है मेरा। तब पहुँचे
एक राजा के पास जो सकाम कर्मी है, जो भोगों में लिप्त है, तो उसको एक एलिगोरिकल स्टोरी सुनाते हैं। ऐसी स्टोरी जो एग्जिस्ट नहीं करती है, जो वर्चुअल है, मगर उनके जीवन से बड़ी ही मेल खाती है। तो ये स्टोरी है किसकी? पुरंजन महाराज। तो पुरंजन महाराज की कथा सुना रहे हैं नारद मुनि। अब कथा क्या सुना रहे हैं, क्या बोल रहे हैं उनको, तो इसका अनुवाद सुनिए दोबारा से। धीरे धीरे काल कन्या ने घातक सैनिकों की सहायता से पुरंजन की नगरी के समस्त वासियों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें सभी प्रकार से निकम्मा बना दिया। तो अभी ये जो राजा था ना पुरंजन, वर्चुअल एक राजा है, अब उसकी नगरी में अटैक हो गया है। अटैक करने वाला कौन है? काल कन्या। तो ये भी एक एलिगोरिकल कैरेक्टर है, काल कन्या। काल मतलब समय, और समय का काम क्या है? समय सबको गलाता है, धीरे धीरे सब कुछ गलाता है, ये समय का काम है। एक तो समय क्या करता है, समय जो हमारी वैल्यूज है उसको ख़त्म करता है, जो हमारा आयु है उसको ख़त्म करता है, जो हमारी बुद्धि है उसको ख़त्म करता है। तो डिग्रेडेशन ही करता है समय। कई बार हम बोलते हैं मेरा समय आएगा, माई टाइम विल कम, तो वो हॉक्स है ना, वो केवल एक पोस्ट डेटेड चेक है। क्योंकि आपका समय तो अभी है, जो अभी जो आपके पास समय है ना, दैट इज़ दी बेस्ट, क्योंकि भगवान ने आपके जीवन में प्लान किया है अभी जो समय चल रहा है। तो इससे बढ़िया समय मेरे जीवन में कुछ हो नहीं सकता, ऐसे एक भक्त की सोच होनी चाहिए। हम ये सोचते हैं कि मेरा समय कोई आएगा, बाद में आएगा, मगर बाद में क्या आने वाला है? बाद में तो डिग्रेडेशन ही होने वाला है, क्योंकि समय का काम ही यही है ना? बोलते ना, टाइम इज़ द मोस्ट पावरफुल फोर्स एंड द अल्टीमेट किलर। समय क्या है? समय बड़ा बलवान, समय से ऊपर कुछ है नहीं। भगवान खुद ही बोलते हैं अहम कालो अस्मि। तो ऐसी ये समय आता है जो धीरे धीरे हमारे शरीर को गलाता है। शंकराचार्य बड़े सुंदर बताते ना, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनवहीनम जातम तुंडम वृद्धो जाति गृहीत्वा दंडम तदापि न मुंचति आशा पिंडम। अंगम गलितम, धीरे धीरे क्या होता है, समय के प्रभाव से जरा आती है ना, बुढ़ापा आता है। अंगम गलितम, सारे अंग गलने लग जाते हैं। पलितम मुंडम, बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। दशनवहीनम जातम तुंडम ना, जिन दांतों से स्माइल देते हैं आप, बत्तीसी दिखाते हैं, धीरे धीरे एक एक करके वो टूटने लग जाते हैं, और फिर हाथ में डंडा आ जाता है। मगर इसके बाद भी आशाओं का जो पिंड है, जो इच्छाएं हैं, वो ख़त्म नहीं होती। तो इस प्रकार ये समय बड़ा बलवान है। तो जब बुढ़ापा आने वाला है, तो उसमें अब यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्या कर देना चाहिए व्यक्ति को। समय रहते ही वैराग्य लेना ना चाहिए, जो वर्णाश्रम है उसका पालन करना चाहिए। तो वर्णाश्रम में ब्रह्मचार्य का भी नियम है, गृहस्थ होने का भी नियम है, और फिर वानप्रस्थ का भी नियम है। तो एक समय ऐसा भी आना चाहिए कि हम अपने घर को छोड़ दें। ये लिखा है ना प्रभुपाद जी ने, आपने तात्पर्य में पढ़ा, क्या बोले प्रभुपाद जी, घर में जाके घर को छोड़ दे। तो अभी आप जब जाएंगे क्लास के बाद घर में जाएंगे, तो वहाँ कोई पूछे आपसे क्या सीखा आपने, क्या बताएंगे आप? बोले बैग पैक कर दो, घर छोड़ देना हमें। यही तो सुन के आए कि अब नहीं रह सकता मैं इस घर में, कब तक माया में फंसा रहूंगा? जीव जागो गोरा चंद्र बोले, कब तक माया की गोद में ना, ये जो पिशाची माया है इसकी गोद में मैं सोता रहूंगा। उठो, छोड़ो, अब नहीं रहना मुझे घर में, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। तो ऐसे पालन करना हमें भागवत का, भागवत तो यही बोल रही है। मगर देखिए ये जो भागवत है ना, सदा सेव्या सदा सेव्या, भागवत का क्या करना चाहिए, नित्य सेवन करना चाहिए, नित्यम भागवत सेवया। तो इसका नित्य सेवन करना चाहिए, किसका? श्रीमद् भागवती कथा, ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है इसका नित्य सेवन करिए। तो क्या होगा, इसका लाभ क्या मिलेगा? यस्य श्रवण मात्रेन हरि निश्चितम समाशरेत, कि हरि निश्चित रूप से हमारे अंदर समाशित हो जाएंगे, हमारे हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। मगर भागवत में बड़ी कठोर बातें भी लिखी होती हैं। जब भी आप भागवत पढ़ेंगे तो
आपको ऐसे शब्द मिलेंगे आपको लगेगा कि यार ये मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है। कितने लोगों को ऐसा लगता है? बड़े कठोर शब्द लगते हैं ना, बड़े हैवी शब्द लगते हैं। तो कैसे पालन करें शब्दों का? पालन ना करें तो ऐसे लगता है अवहेलना कर रहे हैं, और पालन करने में करने की हमारी क्षमता नहीं होती है। तो अब यहाँ पे तो बताया जा रहा है कि विरक्त हो जाइए, आप सब कुछ छोड़ दीजिए, मगर देखिए भागवत क्या है। भागवत इज प्योर नेक्टर, ये शुद्ध अमृत है। जैसे शेरनी का दूध बताया गया है, शेरनी का दूध क्या होता है ना, बड़ा हैवी होता है, वो बड़ा गर्म होता है, उसको आप संभाल नहीं सकेंगे। शेरनी का दूध तो शेर ही संभाल सकता है। तैयार तो हम शेर बने कि हम भी भागवत को संभाल पाएं। तो अगर जो सब्सटेंस है, जो प्रोडक्ट है, वो बड़ा ही शक्तिशाली है, तो प्रोडक्ट को धारण करने वाला जो कसोरा है, जो वैसल है, वो भी बड़ा शक्तिशाली होना चाहिए। तो ऐसी अगर भागवत की कथा बड़ी शक्तिशाली है, तो भागवत का जो श्रोता है उसको भी योग्य बनना पड़ेगा उस अमृत को संभालने के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, सदा सेव्या नित्य भागवत का श्रवण करके अपने आप को एलिजिबल बना रहे हैं भागवत को समझने का और भागवत को अपनाने के लिए। तो जब हम ऐसे कठोर वचन सुने ना भागवत में, घर छोड़ देने की बातें है ना, विरक्त हो जाने की बातें, तो उस समय उन चीज़ों को कैसे समझना चाहिए कि हाँ ये जीवन का लक्ष्य तो है मेरा, कि अल्टीमेटली तो मुझे कृष्ण का ही शेल्टर लेना है, एक्सक्लूसिवली कृष्ण का ही शेल्टर लेना है, मगर अभी मेरे अंदर वो योग्यता नहीं है। तो अभी मैं क्या करूँ, आई शुड फील हम्बल्ड हियरिंग दीज वर्ड्स, कि मेरे जीवन में विनम्रता आनी चाहिए ये बातों को सुनकर कि हाँ ऐसे लोग भी हैं जो कृष्ण के ऊपर पूर्ण निर्भर है, मगर अभी मेरी वो योग्यता नहीं है या मेरी वो स्थिति नहीं है। तो अभी तो क्या करना है मुझे, स्थाने सीता शुद्धिकताम तनुवाक मनोभीर, जिस स्थान में है ना, जिस सोशल पोजीशन पे है, वहाँ पे रह के मुझे भक्ति करनी है, मुझे अपना बेस्ट देना है। तो वी शुड नॉट बी वेरी फैनेटिक ना, कि ये नहीं कि बिल्कुल एग्रेसिव हो जाएं, एक्सट्रीम एंड पे चले जाएं, सब कुछ ना छोड़ने की बातें करने लग जाएं हम। तो वी हैव टू मेक बैलेंस। जब तक हमारे अंदर वो सिंसेरिटी नहीं आ रही है, वो मैच्योरिटी नहीं आ रही है, वो रिलेशन नहीं आ रही है, तब तक वी शुड बी इन अ वेरी बैलेंस्ड स्टेट, है ना। अपना फिजिकल बैलेंस, इमोशनल बैलेंस, सोशल बैलेंस, फाइनेंशियल बैलेंस बना के हमें चलना है, इस भागवत को संभालना है। और फिर एक दिन आएगा, भगवान ही प्लान बनाएंगे हमारे जीवन में विरक्ति का। रघुनाथ दास गोस्वामी को भी क्या बोला था चैतन्य महाप्रभु ने, रघुनाथ दास गोस्वामी की बहुत इच्छा थी सबको छोड़ देने की, मगर क्या करते थे बार बार, महाप्रभु बोलते थे नहीं घर जाओ, घर रह के आप वहीं पर रहके भक्ति करो। और फिर एक दिन समय आएगा जब मैं ट्रिक बनाऊंगा कुछ आपके लिए, तब आप कृष्ण भक्ति में लग पाओगे पूर्ण रूप से। तो फिर कोई प्रश्न पूछा कि बार बार सुनने की क्या जरूरत है, एक बार सुन लिया ना, और फिर जब मौका आएगा तो दोबारा उसको हम अप्लाई कर लेंगे अपने जीवन में, अभी बार बार क्यों सुने। तो भागवत ही बोलती है कि भागवत को बार बार सुनो, सदा सेव्या। क्यों? क्योंकि हमारी भूलने की टेंडेंसी है, बार बार हम चीज़ों को भूल जाते हैं। 2005 में एक सुनामी आया था चेन्नई में, इंडिया टुडे मैगजीन ने कुछ समय बाद अपना जो कवर मैगजीन थी उसमें कवर पेज में 3 पिक्चर्स निकाली। पहली पिक्चर थी कोविड सुनामी से एक दिन पहले की, बीच की, सब लोग बड़ी मस्ती में हैं ना, खूब खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बीच में गाना बजाना हो रहा है। दूसरी पिक्चर थी सुनामी के 1 घंटे बाद की, एवरीथिंग डेवास्टेटेड, सब एकदम वहाँ पे खंडित हो चुका था। और तीसरी पिक्चर थी सुनामी के 1 हफ्ते बाद की, बट यू नॉट बिलीव, जो ये तीसरी पिक्चर थी पहली पिक्चर जैसी ही थी बिल्कुल, सब भूल गए, 1 हफ्ते में सब भूल गए कि सुनामी भी आया था, सब उजड़ गया था, अब कुछ याद नहीं है उसको ना, अब वैसे ही पहले खेलना कूदना गाना बजाना वही चल रहा है, 1 हफ्ते के अंदर सब भूल गए। कोरोना हुए कितने साल गए ना, क्या हालत हो गई थी, लोग घरों से बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे, मतलब घरों में बैठे बैठे लोगों ने डॉक्टरियाँ कर ली थी, MBBS भी बन गए थे, MD भी बन गए थे, सारा ज्ञान आ गया था है ना, बायोलॉजी से लेके मेडिसिन तक का हर एक छोटी छोटी चीज़ हमें पता लगने लगी थी, हाइजीन का कितना ख्याल रखते थे, अब देखिए कितना ही समय बीता और सब भूल गए हम।
तो ये हमारी टेंडेंसी है भूलने की। तो ऐसी भागवत के जो विषय हैं वो भी हम बार बार भूल जाते हैं, इसलिए पुनः पुनः भागवत हमें याद कराती है उन विषयों को। तो जैसे ये हमने भजन में पढ़ा, भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं कि भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, कि भगवान मैं आपको भूल के संसार में आ गया, मगर देखो तो सही मैंने किया क्या क्या यहाँ पे ना, पूरा जीवन मेरा बीता ना, पहले तो मैं बच्चा था, तो बच्चा जब था तो माता पिता का खूब लाड प्यार मिला, मैं तोतली भाषा में बोलता था है ना, और फिर वो रिपीट करते थे, ऐसे लगता था कि ना मैं उनका माँ बाप हूँ, कि जो मैं बोलता था वो रिपीट करते थे, तो जो मैंने बोला उनको बड़ा अच्छा लगता था है ना, और फिर वापसी में मेरे को बड़ा लड्डू, मेरा सोना, मेरा रसगुल्ला ना, मीठे मीठे शब्द मुझे बोलते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था, जो मैं मांगता था अगले दिन वो आ जाता था, क्या करना था बस दो आंसू बहाने की देर थी मेरी ना, लेट जाता था मैं वहाँ सड़क पे लेट जाता था, अगले दिन जो चीज़ मांग चाहिए होती थी घर पे आ जाती थी। तो ऐसी एक चीज़ मुझे याद आई, इस ग्रेस मधु सुंदर प्रभु बड़ी सुंदर कहानी सुनाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन की। तो रथ यात्रा चल रही थी, बड़े सारे लोग जा रहे थे रथ यात्रा में हरी नाम करते करते, और प्रभु जी बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो फिर एक जगह एक सरदार का दर्शन हुआ, सरदार जी, तो उन्होंने बोला कि इसको तो गीता देनी चाहिए, इनको है ना, तो ये तो सरदार है समाज के, तो इनको गीता दी तो सबको पढ़ाएंगे, और गीता तो ना कोई कोई ऐसा नहीं कि किसी कल्ट के लिए है या किसी एक सेक्शन के लिए, गीता इज यूनिवर्सल साइंस, सब के लिए हो। तो उनकी बहुत इच्छा हुई कि उस सरदार को गीता दे, वो गीता दी, उन्होंने तो मना कर दिया, अरे क्या बात कर रहे हो, हम लोग सिख लोग हैं, हम गीता नहीं पढ़ते हैं, ये हिंदुओं की धर्म की किताब है, हम नहीं पढ़ेंगे उसको। अब उनकी कन्विक्शन और स्ट्रांग होगी, बोले गीता देनी है तो इन्हीं को देनी है इनको तो देके रहनी है, बाकी और कोई मिले ना मिले, टारगेट आज का यही है। अब बड़े लोग बड़ी बात है चैलेंज ले लेते हो। तो फिर दोबारा थोड़ी देर बाद वहाँ पे पहुँचे, बोले शाहजी ताड़े वास्ते गीता आएगी, तुसी लो धार्मिक ग्रंथ आएगा ना, बड़े बड़े लोग पढ़ देंगे, तो उनको देने का प्रयास किया, फिर नहीं ले रहे हो। अब हुआ क्या कि साथ में शाहजी का एक छोटा शाहजी था, जूनियर शाहजी, तो छोटा सरदार भी था, तो अब वो थोड़ा स्पॉन्टेनियसली भगवान से प्रार्थना करी, भगवान क्या करते हैं बुद्धि देते हैं, ददामी बुद्धि योगम तुम, तो उसी समय बुद्धि आई। तो जो छोटे सरदार थे ना, उस समय क्या था, रथ यात्रा चल रही थी, तो बड़ा ग्रैंड रथ यात्रा होती थी, तो नगाड़े बज रहे हैं, न भोपू बज रहे हैं साथ, लाइटों वाले चल रहे हैं साथ में, घोड़े चल रहे हैं साथ में, हाथी भी चल रहे हैं, अब ठाकुर जी की सवारी है, जैसे मायपुर में आप देखा होगा ना हमने, तो हर सैटरडे को वहाँ पे राधा माधव को हाथी की सवारी कराई जाती है, खूब एकदम पॉम्प एंड शो होता है वहाँ पे, ऐसे लग रहा है कि राजा जा रहे हैं ना, यही कलयुग के राजा हैं, उनको ना हाथियों पे बिठा के सवारी कराई जा रही। अब वो जो जूनियर सरदार जी से जैसी हाथी को देखा तो फैल गए, बोले मैं भी सवारी करना आएगा हाथी दी। तो अब पहले तो पिता वो सरदार जी मना करते रह गए, बाद में अब माना नहीं, हो तो पास में गए उसके जो महावत था साथ, बोला उसको कि हाथी की सवारी करा दो बच्चे नू, तो महावत बोलता है सौ रुपये लगेंगे। तब इनको तो लगा हाथी की दो मिनट की सवारी है, 100 रुपये ऐसे थोड़ी दे देंगे, उस समय 100 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी, तो मना कर दिया बेटे को। बेटा वहाँ पे पूरे रथ यात्रा के बीच में ना सड़क में लेट गया हूँ पूरा रथ रुका पड़ा है वहाँ पे, सोचिए हजारों हजार लोग हैं, सब कीर्तन कर रहे हैं और सबको डर लग रहा है कि कहीं गलती से कुछ हो ना जाए इसको, वो बीच में लेटा पड़ा है, बोले मैं तो चढ़ना आएगा हाथी तो उत्ते। तो अब ये मधुसूदन प्रभु ने देख लिया जो ड्रामा चल रहा था वहाँ पे, तो सीदा गए सरदार जी के पास, बोले शाहजी चढ़ाना आएगा बच्चे नू हाथी तो उत्ते, अरे चढ़ाना तो आएगा, देखो ड्रामा कर रहे थे। तो बोले शाहजी ऐसे करो, मैं तानू ताडे को आए थे ना गीता देने वास्ते, तो फड़ो तुसी गीता लो ना, तो तुसी गीता लो तो हाथी दी सवारी फ्री आएगी थे। अरे फिर किना देगा, 100 रुपये 100 रुपये हाथी दे देंगे, 100 रुपये गीता दे, हाथी दी सवारी फ्री आएगी। तो क्या दी गीता दी, 100 रुपये लिए और पीछे महावत को बोल दिया चढ़ा दो इसको।
तो ददामी बुद्धि योगन तम। तो यानी हम चर्चा कर रहे हैं कि बच्चे के पास ये शक्ति है कि वो जो भी मनाना चाहे मना सकता है ना। बाल हट बड़े ही खतरनाक होता है। तो मैंने बचपन में ऐसे ही किया। भक्तिनाथ ठाकुर अपनी कहानी बता रहे हैं ना, अपने शब्दों में हमारी कहानी बता रहे हैं, वो तो आचार्य हैं, कि बचपन मैंने ऐसे बिताया। और फिर क्या हुआ, थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो बड़े सारे दोस्त मिल गए, तो उनके साथ खेलने में अब समय बीतने लग गया। अब माँ बाप की याद नहीं है ना, बच्चों में इतना रम जाता हूँ, खेल में इतना रम जाता हूँ, और कुछ लेना देना नहीं किसी से। थोड़ा और बड़ा हुआ तो अब कॉम्पिटिशन होने लग गया ना, पढ़ाई का कॉम्पिटिशन होने लग गया, कौन आगे निकलेगा। तो अब मैं अपना जीवन लगा दिया मैंने पढ़ाइयों में। थोड़ा और बड़ा हुआ तो देश भ्रमण पर निकल गया, विदेश भ्रमण पर निकल गया ना, अब हायर एजुकेशन के लिए और डिग्रियां चाहिए मुझे। फिर और बड़ा हुआ तो फिर ना, ये जवानी है दीवानी है ना, अब अकेले बाइक पे मज़ा नहीं आ रहा, किसी को बिठाना भी चाहिए, खालीपन लग रहा है जीवन में ना। तो कोई तो हो जीवन में ना, जो संगी हो मेरा, जो संग दे मेरा। तो अब ये जो आगे की कथा है, ये प्रहलाद महाराज बड़ा अच्छा बताते हैं। प्रहलाद महाराज 5 साल के बच्चे हैं, मगर रिलेशन सारी है उनको, 5 साल से लेकर 50 साल तक सारी उनके पास साक्षात्कार है, क्योंकि भगवान के भक्त हैं। तो भगवान के भक्तों को अनुभव प्राप्त करने के लिए वो कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, वो श्रवण के माध्यम से अपना अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। तो बड़ा सुंदर भागवत में वर्णन आता है 7वें स्कंध में प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं में। तो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, कथम प्रियाया अनुकंपिताया, कथम प्रियाया ना, मेरी प्रिया कहाँ है ना, कहाँ मिलेगी वो मेरी प्रिया ना, मेरी प्रियतमा माय डार्लिंग, वेयर विल आई गेट हर। कथम प्रियाया अनुकंपिताया, और कब वो मेरे ऊपर अनुकंपा करेगी ना, कब वो कृपा करेगी मेरे ऊपर। सोचिए, भागवत भी बड़ी रोमांटिक है ना। प्रभुपाद जी बोलते हैं सारे रस भागवत में मिलेंगे आपको, शांत रस, वीर रस है ना, श्रृंगार रस, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, सारे रस हैं भागवत में। तो कथम प्रियाय अनुकंपिताय, कहाँ है मेरी डार्लिंग, और कब वो जाके मेरे ऊपर कृपा करेगी, अनुकंपिताय, कब उसकी कृपा मेरे ऊपर होगी। क्या कृपा चाहिए भैया आपको उससे, संगम रहस्यम रुचिरांश मंत्रान। अच्छा, क्या कृपा मांगते हैं आप उससे, बोले संगम रहस्यम, प्राइवेट में कब मिलेगी वो, अकेले में कब मिलेगी वो, आई वॉन्ट हर कंपनी इन आइसोलेशन, कोई हो ना वहाँ पे उस समय अकेले में ना, बस उससे मेरी वार्तालाप हो। तो कथम प्रियाय अनुकंपिताय, और क्या चाहिए, संगम रहस्यम है ना, कि अकेले में मिले और कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें हों, कुछ अंदर निजी की बातें हों, और क्या करे, रुचिरम मंत्रांश, और क्या करे, मेरे कान में वो मंत्र फूके ना, ऐसा रुचिर मंत्र फूके, मजा आ जाए बस ना, ऐसा रोजी रोजी वो मंत्र फूके, हरे कृष्ण महामंत्र नहीं ना, ऐसा मंत्र हो जो दिल गदगद हो जाए, कुछ ऐसी बातें वो मेरे कान में फूक दे वो। अब देखिए प्रहलाद महाराज की ये साक्षात्कार है, और फिर सुहृत सुतत्स्ने सितु सीता शिशु नाम, और फिर क्या होगा, और फिर मेरा बंधन उससे और ज़्यादा बढ़ता रहेगा, इंक्रीज्ड अटैचमेंट, अब मैं कुछ और इसके अलावा सोच ही नहीं पाऊँगा। और फिर फाइनली रिजल्ट क्या होगा, सीता शिशु नाम, अब किलकारियाँ बजेंगी घर में ना, मम्मी पापा ना, बच्चे पैदा होंगे शिशु नाम, अनगिनत बच्चे पैदा होंगे। कला शराणाम अनुरक्त चित्ता, और फिर क्या होगा, वो जो बच्चे की तोतली भाषा है उसमें मैं रम जाऊंगा, उसी में मैं आनंद उठाऊंगा, उसमें गोते लगाऊंगा। पुत्रांस परंस्ता दुहित्री हृदया, और फिर क्या होगा, अब मेरा मन इन्हीं बच्चों में, इन्हीं घर वालों में, माता पिता ना, इन्हीं में रम जाएगा। तो कोई पूछेगा इसमें गलत क्या है ना, माता पिता के साथ संबंध, बच्चों के साथ संबंध, इसमें गलत क्या है। तो भागवत बोलती है, अब देखिए, गृहान मनोज्ञो रूपिरोष दांश वृत्तिश कुल्या पशु भृत्य वर्गान। अरे यहाँ तक तो ठीक था कि लोगों से संबंध बन रहे हैं,
लोगों से आसक्ति हो रही है, घर परिवार के लोगों से, पत्नी से, बच्चों से, भाई से, बंधु से, पापा से, चाचा से, ताऊ से, इनसे आसक्ति हो रही है। मगर होता क्या है, अतो गृह क्षेत्रे सुताप्त वित्तई जनस्य मोह अहमायम ममेति, कि बस मैं और मेरा में ही सिमट जाता है मेरा जीवन, इसके अलावा कुछ सोच नहीं पाते। और इनकी बात छोड़िए, केवल इन लोगों की बात छोड़िए, अब तो घर का जो फर्नीचर है उसके बारे में भी रात को चिंतन होता है। नई गाड़ी हम लेके आए हैं और डंट लग जाए उस पर तो पूरी रात मचलते रहते हैं हम, ना नींद नहीं आती मछली की तरह, क्यों? क्योंकि अब उससे इतनी आसक्ति हो गई है। और वित्तीय पूरे जीवन पूरा दिन भर मैं पैसों के बारे में सोचता रहता हूँ। किसके बारे में? पशु, जो मैंने पालतू कुत्ते बिल्ली पाल रखे हैं उनका चिंतन होता रहता है, जो मेरे नौकर चाकर हैं उनका चिंतन होता रहता है, हाय वो ना उस कमरे में चली गई है, वो सफाई करने कुछ राय तो नहीं लेगी। और भृत्य वर्गान, साथ में मेरे जो स्टैंडर्ड के लोग हैं ना, जिस क्लब में मैं जाता हूँ, जिन लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, उनके बारे में चिंतन होता है, उनसे आसक्ति हो जाती है। तो अल्टीमेटली फिर इस कॉम्प्लिकेटेड ये जो नेटवर्क मेरा बन गया, इसका रिजल्ट क्या है? तजेत कोशस कृतवेद महाना, कि जैसे एक सिल्क वर्म होता है ना, वो क्या करता है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने आसपास कोकून बना लेता है और फाइनली उस कोकून में ही फंस जाता है। एक स्पाइडर है, वेब बनाता है और उसी वेब में ही फंस जाता है। तो ऐसी मेरा हाल है कि ये सब आसपास के जो बंधु थे, परिजन थे, घर परिवार था, ये अपनी सुविधा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था और उसी में फंस गया। कर्माणि लोभात् वितृप्त कामा, और ये नहीं कि मेरे आसपास ये लोग हैं, ये परिजन है, ये परिवार है, ये धन है, ये ऐश्वर्य है, इससे मैं तृप्त हो जाऊंगा। लोभात, मेरा काम वासना और बढ़ती गई, मेरी इच्छाएं और बढ़ती गई। आई वाज नेवर सेटिस्फाइड, मैं कभी तृप्त नहीं हुआ। उपस्थ जैवम बहुमन्य माना, और मैंने क्या माना कि मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य क्या है, अपनी जीवा की तुष्टि और अपनी जेनिटल्स की तुष्टि, ना बस अपनी काम वासनाओं को संतुष्ट करता रहूं, अपनी जीवा को संतुष्ट करता रहूं, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। कथम विरज्य दुरंत मोहा, आसान है क्या इन मोह को छोड़ना? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। कितना बड़े बंधन में फंसे हैं, कितने खतरनाक, कितने गहरे कुएं में फंसे हैं, हमें खुद ही नहीं पता है। तो इस प्रकार ये आसक्तियां बढ़ती रहती हैं। तो ऐसी मेरी जवानी बीतती है इन आसक्तियों को बनाने में, इन आसक्तियों को संभालने में। और एक आसक्ति को छोड़ना चाहता हूं तो हजार और बन जाती हैं। तो विदुर जी अपने भाई धृतराष्ट्र के पास वापस पहुंचते हैं। पहले तो घर त्याग कर दिया, मगर उनके पास पुनः वापस पहुंचते हैं उनके उद्धार के लिए। तो बताते हैं विदुर जी धृतराष्ट्र को, एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तद्रीहा, कि घर रह के क्या होता है, एवं गृहेषु सक्ता नाम, पहले तो आसक्ति होती है, अटैचमेंट होती है, और फिर धीरे धीरे वो अटैचमेंट किसमें बदल जाती है, प्रमत्ता नाम, इनसेन अटैचमेंट, मैडली अटैचमेंट, मैड अटैचमेंट, ऐसा घनघोर आसक्ति हो जाती है। अत्यक्रामाद विज्ञाता काला परम दुस्तरा, और फिर क्या होता है, धीरे धीरे समय तो बीतता जाता है, मगर समय बीतने से मेरे अंदर ये ज्ञान नहीं रहता, मैं अविज्ञाता, आई रिमेन टोटली अननोन टू दिस, ये मेरे लिए इम्परसीवेबल हो जाता है। क्या कि ये जो आसक्तियों का जो पहले छोटी सी गांठ लगी थी, अब वो इतनी मोटी होती जा रही है। सब ना, पहले शादी से पहले बड़ा पतला था मैं, मगर कैसे कैसे बाहर ये पेट पे मट्टी निकलती रही पता नहीं लगा, धीरे धीरे इम्परसीवेबल कैसे आसक्तियाँ बढ़ती गई। जैसे बाल बड़े हो जाते हैं ना तो पता नहीं लगता है, कब पता लगता है ना, जब ऐसे ना फोटो में देखें, मतलब बड़ा गंदा लग रहा है, आईने में देखते हैं तो धीरे धीरे वो बाल बड़े हो गए, आपको पता नहीं लगा, मगर एक दिन नाइक पे जाने की नौबत आती है। तो ऐसी ये आसक्तियाँ कब इतना अपना नेटवर्क फैला लेती हैं पता नहीं लगता है। तो इसलिए इट इज़ द टाइम टू वेक अप, तो भागवत इज अ वेकअप कॉल, ये हमें जगाने का प्रयास करते हैं कि अरे अब नहीं तो कब, जागो। तो विदुर जी ये धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, ना प्रभुपाद जी बताते हैं धृतराष्ट्र कौन है, ना धृतराष्ट्र इज अ लैंड माफिया,
धृत राष्ट्र, ना जिसने राष्ट्र को धारण किया हुआ, कि राष्ट्र को छोड़ नहीं रहा है, अपनी पदवी, अपनी पोजीशन, ना अपने जो जागीर है उसको छोड़ नहीं रहा, उसको त्याग नहीं रहा है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, 5000 साल पहले एक धृतराष्ट्र हुआ करता था, आज हर एक घर में धृतराष्ट्र है, एवरीवेयर देर इज अ धृतराष्ट्र, ना जो धारण करके बैठा है कि इस घर को मैं छोड़ूंगा नहीं, इस परिवार को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो प्रभुपाद जी स्ट्रांग वर्ड्स यूज करते हैं, और ये साधु का काम है। साधु का, साधु जो शब्द है उसका एक मतलब होता है, उसका मतलब एक मतलब ये भी होता है, साधु मतलब ना जो बड़ा भारी पड़ता है, साधु मीन्स हैवी, जिसके शब्द, जिसका चरित्र, जिसके कार्यकलाप हमारे ऊपर बड़े भारी पड़ते हैं, वो है साधु। तो ऐसी प्रभुपाद जी जैसे जो ना साधु हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज जैसे साधु, उनके शब्द बड़े भारी पड़ते हैं कई बार हमें, इसलिए प्रभुपाद जी अपने बुक्स में कितनी बार लिखते हैं कुत्ता, बिल्ली, ऐस, बार बार लिखते हैं बताने के लिए कि हमारी क्या स्थिति है। तो साधु का कर्ता आईना दिखाता है। अब देखिए, आईना अपने आप में ना बहुत कमज़ोर होता है ना, मिरर इज़ अ वेरी फ्रेजाइल थिंग, कभी भी टूट सकता है, मगर वो आईना क्या करता है, हमें आईना दिखा देता है, हमें हमारी स्थिति दिखा देता है। ऐसी साधु वो ऊपर से बड़ा सॉफ्ट लगता है, बड़ा कमज़ोर लगता है ना, ऐसे लगता है इसका हृदय बड़ा बड़ा कोमल है, मगर वो अपनी कोमलता में ही हमें हमारा हमारा चेहरा दिखा देता है, आईना दिखा देता है कि आपकी क्या स्थिति है, देखिए। तो ऐसे जब भी साधु से मिलते हैं ना, तो हमें कई बार बहुत गिल्टी फील होता है, ये नहीं कि हम साधु से मिले, बल्कि ये जान के कि देखो मैं कितना गया गुजरा हूँ, कि ये साधु का चरित्र देखो और मेरा देखो ना, कि हाँ मैं माया में फंसा हूँ, कहाँ पे अपने भोग विलास में फंसा हूँ। तो ये साधु ही रियलाइज कराता हमें, तो साधु हमें बताता है कि अरे कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है। भौतिक जगत हमेशा ही प्रोपेगेंडा दिखाता रहेगा कि आपके आपके हाथ में बहुत कुछ है, हम होंगे कामयाब ना। LIC की वो एक टैगलाइन है ना, कल पर कंट्रोल। अरे भैया आज पे तो हो नहीं रहा कंट्रोल, पिछले कल पे कंट्रोल नहीं हो पाया, अगले आने वाले कल पे कैसे कंट्रोल कर लेंगे हम? आप हम अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं कर पाते ना, वो बाल जिसको बचपन से आपने धोया ना, शैम्पू लगाया, तेल लगाया, वो बाल आपके कंट्रोल में नहीं है, एक दिन वही सफ़ेद हो जाएंगे। वो दांत ना जिनको कोलगेट किया आपने, बचपन से संभाला, वो दांत आपके कंट्रोल में नहीं है। तो कैसे आप किसी को कंट्रोल कर पाएंगे? एक बार ना YouTube पे कुछ वीडियो देख रहा था, तो YouTube का कुछ एल्गोरिदम ऐसे ही है कि जो चीज़ आप थोड़ा सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो ना, उसको बार बार रिपीट मारता है वो, उसका AI एल्गोरिदम ऐसे काम करता है। तो मैं कुछ सुन रहा था, और सुनते सुनते फिलोसफी सुन रहा था, तो मैं सोचा कुछ ऐसे भजन कुछ हो जाए ना, अच्छा लगेगा। तो इतने में एक भजन आ गया सामने, थोड़ा सा सहजिया सा था, मगर वो अपना पॉइंट प्रूव कर रहा था। तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। मतलब बड़ा ही अजीब सा है, मगर इट प्रूव्स द पॉइंट कि आप कितना मर्जी कुछ भी कर लो अपने शरीर के साथ, मगर कुछ भी परमानेंट नहीं है इसमें, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। तो भागवत भी यही बोल रही है ना, कि कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है। शिला प्रभुपाद बताते हैं, एक चेयरमैन सॉरी हाँ हरी सॉरी प्रभु जो प्रभुपाद जी के सर्वेंट थे उस समय, वो अपना रिलेशन शेयर करते प्रभुपाद जी के साथ। तो एक क्वार्टर में जहाँ पे प्रभुपाद जी रहते थे, हरीश्वरी प्रभु साथ रहते थे, उनकी सेवा करते थे, तो वहाँ हुआ क्या कि हर रोज़ एक चिड़िया आती थी, और कुछ दिन के लेके आती थी अपना घोंसला बनाने के लिए। और प्रभुपाद जी बोलते थे, अरे ये चिड़िया आएगी सब गंदा करेगी, ये तिनके अभी पहले ही हटा दो, ये नहीं कि बाद में वो अंडे दे उसके बाद हटाओगे तो फिर अच्छा नहीं है, तो पहले से ही हटा दो। तो हरीश्वरी प्रभु वो सारे तिनके हटा देते थे, अगले दिन फिर आ जाती थी, फिर अपना घोंसला बनाने लग जाती थी, फिर प्रभुपाद जी बोलते थे हटाओ। तो ऐसे करके 15 दिन तक लगातार आती रही। 15 दिन बाद उसको समझ आ गया, बोले यहाँ दाल निकलने वाली, छोड़ो कहीं और बना लेते। प्रभुपाद जी जब देखा ना कि अब वो नहीं आ रही है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, देखो ना इस चिड़िया को भी इतनी समझ है
इस चिड़िया को भी इतनी समझ आया कि 15 दिन बाद इसको समझ आ गई है कि मेरी दाल नहीं गलने वाली, मगर हम लोग संसार के लोग देखो 15 दिन क्या 15 साल हो जाते हैं तब नहीं पता लगता कि यहाँ दाल नहीं गलने वाली है, 15 साल छोड़ी 15 जन्म हो जाते हैं तब भी लगता है कि यहाँ पे मेरे लिए कुछ है इस भौतिक संसार में, इसको छोड़ने की इच्छा नहीं होती, लगे रहते हैं बस ना, एडजस्ट करते रहते हैं इधर उधर। एक और डिवोटी ने रिलेशन शेयर किया, वो अपनी गाड़ी में जा रहे थे, गाड़ी आगे आगे एक ऑटो था और बारिश हो रही थी उस समय, ऑटो के अंदर एक बच्चा बैठा था पिताजी के साथ, तो यहाँ पिताजी बैठे हैं उसके साथ में जो कवर होता है ना ऑटो का, तो वो लगा हुआ था, ये राइट साइड पे बैठा था तो कई बार वो कवर फोल्ड होता है तो फोल्ड था वो, और बारिश खूब तेज हो रही थी तो बेचारा भीगा जा रहा है और उसको कवर को नीचे करने का प्रयास कर रहा है, नहीं हो पा रहा है। अब बच्चा आया उसने भी ठान ली, बोले करके तो रहूँगा, तो इधर उधर करके कुछ कुछ करके करने का ट्राई कर रहा है, नीचे गिर जाए गिर नहीं रहा, तो क्या करता है पूरा बाहर निकल जाता है, अभी तो थोड़ा भीग रहा था पूरा बाहर निकल के ऊपर चढ़ के उसको ऐसे ऐसे करके ना ट्राई करता है और फाइनली वो हो जाता है, और जैसे ही गिरता है इतने में ऑटो रुक जाता है, बोले साहब डेस्टिनेशन पे आ गए आप। पिताजी बोलते चलो ना, बोलते पापा अभी तो गिरा ये, अभी नहीं जाऊँगा मैं, अभी तो गिरा है। पापा बोलते ऑटो में बैठे इसलिए थे ताकि फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचे और निकले, ऑटो में बैठना ये थोड़ी हमारा काम था ना, ऑटो में बैठ के पहुंच जाना और वहां निकलना वहां पे हमारा काम है। बोले नहीं पापा मैं जाऊंगा नहीं, अभी मैंने इसको गिराया। तो ऐसी हमारी लाइफ भी ऐसी है कि हम क्या करते हैं कुछ ना कुछ ना एडजस्टमेंट करते रहते हैं ना, ऐसे कर लें तो ठीक हो जाएगा, ऐसे कर लें तो ठीक हो जाएगा, ऐसे, और इतने में ना कालम परम दुस्तरा, समय बड़ा बलवान, समय निकल जाता है उस एडजस्टमेंट करने में, और वो समय भी गवाया ना, और फालतू की बुद्धि भी लगाई, प्रयास भी किया, ओवर एंड ओवर भी किया, हाथ में कुछ नहीं लगा। इसलिए अभी जो समय हमें मिला है दैट इज़ दी बेस्ट। कि प्रहलाद महाराज से पूछा ना कि भक्ति करने का समय कब है, किस समय भक्ति शुरू कर देनी चाहिए, बोले जब बच्चा 5 साल का होता है तभी शुरू कर देनी चाहिए। तो हमारे तो 5 साल के पता नहीं कितने मल्टीपल निकल जाते हैं, तभी हमारे अंदर इच्छा नहीं होती है, वो सिंसियरिटी नहीं आती है भक्ति करने की। तब प्रभुपाद जी एक और जगह बड़ा सुंदर बता रहे थे कि एक बार चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन वो मीटिंग में जा रहा था, अभी इलेक्शन का समय आ रहा है ना, तो अभी ये बड़े सारे कमीशन बन जाते हैं उसका चेयरमैन भी होता है, तो अपनी गाड़ी में बैठ के जा रहा है और बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, और मीटिंग में पहुंचने से पहले ही कार में ही हार्ट अटैक हो जाता है उसका। तो प्रभुपाद जी बोलते देखो ना, ही इज द चेयरमैन, सॉरी नॉट इलेक्शन कमीशन, चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्रभुपाद जी बोलते ही इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, ये पूरे देश भर के लिए 5 साल के लिए प्लानिंग करने जा रहा था, इसको अपने शरीर की प्लानिंग नहीं कर पाया ना, वहीं पर टपक गया ये, तो क्या ये देश के लिए प्लान करेगा। तो इसलिए ना समय बड़ा बलवान है। तो भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नावे। तो खूब आभूषण से सजाते रहते हैं पूरे जिंदगी भर इस शरीर को, मगर रसना पर है ना, जीवा पर हरि नाम नहीं आता है। अंत समय हरि नाम नावे, फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। कि अंत आपने पूरे जीवन भर बहुत कुछ अर्जित किया, मगर अंत समय पे जीवा पे भगवान का नाम नहीं आया, तो फिर एक कुंडल और नगीना क्या ही कर लेंगे आपका, सब धरा का धरा रह जाएगा। तो इसलिए जो जवानी है किस चीज़ में निकलनी चाहिए, ये प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में बताया है ना, बचपन से लेकर जवानी है, दो कार्य जरूर करने चाहिए हर व्यक्ति को। पहला है ब्रह्मचर्य का पालन, या बोले तो पहला है शास्त्रों का अध्ययन, द फर्स्ट वन इज रीडिंग स्क्रिप्चर्स। शास्त्रों को पढ़ते हैं तो क्या होता है, रियलिटी का पता लगता है, सच्चाई क्या है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। और फिर दूसरा प्रभुपाद जी बताते हैं, दूसरा कार्य जो व्यक्ति को करना चाहिए वो है तपस्या, तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम। तपस्या का अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तपस्या से क्या होगा कि वो जो रियलिटी पता लगी है ना, उसको कोप अप कैसे करना, उसको फेस कैसे करना, उसको चैलेंज कैसे करना है, वो तपस्या से आएगा, वो शक्ति तपस्या से आएगी।
तो इसलिए शास्त्रों का अध्ययन और तपस्या दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। तब यहाँ पर नारद मुनि राजा प्राचीन भरही को पुरंजन महाराज की कथा सुना रहे हैं, और पुरंजन महाराज की कथा सुनाते सुनाते बताते हैं ये जो पुरंजन महाराज है इनके घर एक दिन इनके जो नगरी में एक दिन अटैक हुआ। किसका अटैक हुआ? काल कन्या का अटैक हुआ। कौन है ये काल कन्या? कोई और नहीं है, ये जरा है, ये बुढ़ापा है, कि लगती बड़ी सुंदर है ना मगर अपना काम कर जाती है। तो ये विष कन्या आती है और पूरे नगरी में अटैक कर देती है और सब धरे के धरे रह जाते हैं। और ऐसा समय भी आता है, अगले श्लोक में आएगा, कि अब जितने सैनिक हैं, जितने नौकर हैं, जितने चाकर हैं, सब उस राजा को उल्टा उल्टी सीधी सुना रहे हैं। जो पत्नी है वो ठंडी हो चुकी है अब, कि हुआ क्या, तुम्हारे अंदर कोई शक्ति नहीं बची है अब, तुम्हारे अंदर पास कोई ऐश्वर्य नहीं बचा है, क्योंकि जरा ने सब चूस लिया है, सब समेट लिया अपने ऊपर अपने पास। तब इस काल कन्या का अटैक हो चुका है। अब हुआ क्या कि ये जो राजा है अब इसको भोग विलास में भी आनंद नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो काल कन्या ये सारा विष सुखा चुकी है। ऐसी जब बुढ़ापा होता है ना तो इच्छा तो बहुत होती है भोग वृत्ति की ना, मगर अभी शक्ति नहीं है अंदर शरीर में उस भोग विलास को करने की। बुढ़ा बेशक हो जाए व्यक्ति, मगर तृष्णा तू तरुणायते है, कि शरीर तो जर्जर हो गया, शरीर बूढ़ा हो गया, मगर जो तृष्णा है वो जवान होती रहती है ना, इच्छाएं और बढ़ती रहती हैं, इच्छाएं कम नहीं होती। कई बार ये हॉक्स होता है ना, कई बार ये हम सोचते हैं कि यार जब बूढ़े हो जाएंगे तो हम अपने आप ही भक्ति करने लग जाएंगे। कई बार लोग बोलते हैं ना, जवान लोगों को बोलते हैं जो भक्ति करते हैं हमारे यूथ के लोगों को, बोले अभी इतना क्यों जोर लगाना भाई, कहाँ है तुम भक्ति में फंस गए हो, कहाँ इस कौन के चक्कर में फंस गए हो, अभी जाओ थोड़ा करियर बनाओ, थोड़ा घूमो फिरो, क्या है तुम अरे बूढ़े हो जाओगे तो यही तो करना है फिर, तब वहाँ जॉब से रिटायर हो जाओगे तो क्या करोगे फिर, माले तो फिरते ना ना पूरे ना, अभी तो ये लो माला लो, वर माला लो, पहनाओ किसी को ना, कहाँ ये तुम माला के चक्कर में फंस गए। तो फिर इनको हमारे यूथ वाले बोलते हैं, बोले चाचा जी ना आप हमें बोल रहे बूढ़े हो के हम करेंगे, आप तो बूढ़े हो लिए, आप तो कर लो, आपकी तो इच्छा हो नहीं रही ना बुढ़ापे में भी भक्ति करने की, हमारी कहाँ से हो जाएगी। तो अकबर ने भी बीरबल से ये पूछा था, बोले बीरबल है ना ये सब लोग ये जवानी में भक्ति क्यों कर रहे हैं, ये बुढ़ापे में जाके फिर ये भक्ति तो करनी है, अभी तो ये अपना मंत्रालय संभाले लोग ना, राज्य करे ना, अच्छे से अपना करियर बनाए। तो बोलते महाराज गलत फहमी में आप, अभी आपको पता नहीं बुढ़ापे में क्या होता है। बोले क्या होता है, वहाँ बिस्तर पे पड़े रहते हैं लोग बुढ़ापे में, शरीर में जान नहीं होती है, दुर्बलता आ जाती है ना, तब क्या ही कोई इच्छा बचेगी, क्या ही कोई तृष्णा बचेगी। बोले आओ महाराज कल आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं, कल आना महाराज ना, बिटिया को साथ लेके आना अपनी। बोले बिटिया को साथ लेना, बीरबल बोल रहा है कुछ तो होगा, खिचड़ी पकेगी। तो कल अकबर जी जाते हैं अपने बिटिया के साथ ले जाते हैं, तो अब बीरबल उनको लेके जाता है अस्पताल में। अस्पताल में एक पेशेंट है, बूढ़ा पेशेंट है, पूरा बेड रिडन है, मतलब सांस भी बड़ा मुश्किल से आ रहा है उसको। वो जैसे ही देखता है ना, बीरबल बताता है कि देखो राजा जी आया है आपसे मिलने आए। तो देखता है वो राजा की तरफ, अरे जाओ राजा जी की जाओ, राजा जी की जाओ। तो जय इधर कर रहा है मगर वहां देख रहा बिटिया, नजरें वहां घूम रही है ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो जैसे अब देखता है तो महाराज अकबर जी को सुन समझ नहीं आ पा रहा कि हो क्या रहा है, क्योंकि वो जय जयकार में बड़े खुश हो गए कि जय जयकार कर रहा है मेरी। तब बीरबल दिखाता है, बोले ना राजा जी नजरें देखो उसकी कहाँ जा रही है। तब देखता है अरे मेरी बेटी में नजर डाल रहा है, तो अभी मारने की इच्छा होती है। बोले बड़ी मुश्किल से बीरबल लेके जाते हैं, बोले राजा जी समझ जाओ कि अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनवहीनम जातम तुंडम विद्यो जाति गृहीतवा दंडम तदापि न मुंचती आशा पिंडम। ये आशाओं का पिंड खत्म नहीं होता, हाथ में डंडा बेशक आ जाए, बाल सफ़ेद क्यों ना हो जाए, मगर इच्छाएं खत्म नहीं होती। एक कंपनी ने, मैनेजमेंट कंपनी ने रिपोर्ट निकाली थी व्याग्रा की सेल्स, व्याग्रा समझ रहे आप तो भक्त लोग हैं,
तो व्याग्रा मेडिसिन होती है या ड्रग होता है कि जिससे आप अपने सेक्सुअल पावर को और बढ़ा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा सेल किस सेगमेंट में होती है? बूढ़े लोगों में। जवानी में तो आपके पास वैसी शक्ति है, अब बूढ़े हो गए आप, तृष्णा बनी हुई है, इच्छा बनी हुई है, मगर शक्ति नहीं है शरीर में, तो बोले गोली खा लो तो गोली खा के शक्ति आ जाएगी। तो जब उनका वैराग्य लेने का समय था, वो व्याग्रा खा रहे हैं ना। देखिए नाम भी वैसे जुड़ता मिलता ना, मिलता जुलता है कि अब जाओ वैराग्य लो। आप यहाँ बोल रहे हैं, भागवत बोल रही है कि नाउ इट इज़ टाइम टू टेक वानप्रस्थ आश्रम, अगर वहाँ व्याग्रा की गोलियाँ खा खा के और तृष्णाएँ बढ़ा रहे हैं अपनी। तो ये बुढ़ापा बहुत कष्टदायी है। तो बुढ़ापा इज एन इंडिकेशन कि समय आने वाला है, ये संकेत है। जैसे रेड लाइट ना, आप लाइट्स पे ट्रैवल कर रहे हैं तो रास्ते में लाइट आती है, तो रेड लाइट से पहले कौन सी लाइट आती है? येलो लाइट। सो येलो लाइट इज एन इंडिकेशन दैट रेड लाइट इज कमिंग। रेड लाइट मतलब कंप्लीट स्टॉप। तो येलो लाइट की ना तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला कि ये बड़े छोटे समय के लिए आती है, दूसरा कि येलो लाइट के बाद अब रेड लाइट आने वाली है, मतलब वहाँ स्टॉप लगेगा, और जब स्टॉप लगेगा तो आपके पीछे भी गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी। तो मतलब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, अब इसके पीछे नहीं जा सकते आप, अब वहाँ पे अटक गए आप। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी ना ये बुढ़ापे की येलो लाइट आती है, ये संकेत देती है कि अभी समय बड़ा कम है, संभल जाओ। अभी बुढ़ापा आपको इंडिकेशन दे रहा है कि अब अंग गलने लग रहे हैं ना, आपको सुनना कम हो गया है ना, आपकी पाचन शक्ति कम होगी, अब तो हरि में भजन करो। और फिर क्या होगा आगे चल के? आपको रुकना है, मृत्यु आने वाली है, रेड लाइट आने वाली है, और अभी क्या है, अभी आप पीछे भी नहीं जा सकते हैं ना। कहाँ गए मेरे बीते हुए दिन? गाना गा सकते हैं आप, मगर वो बीते हुए दिन वापस आने वाले नहीं है। अभी तो यहीं से आपको जर्नी कंटिन्यू करनी है। तो बुढ़ापा बहुत कष्टदायी है ना, बट दैट इज द हार्श रियलिटी ऑफ द ट्रूथ ना। ओल्ड एज द वी नीड टू अंडरस्टैंड द हार्श रियलिटी ऑफ ओल्ड एज, कितनी कष्टदायी, और हम सबको उससे गुजरना है। तो शास्त्रों में ना बहुत सारी एनालॉजी दी गई है बुढ़ापे को। तो यहाँ पुरंजन महाराज ना कब बुढ़ापे की काल कन्या अटैक कर गई है, तो नारद मुनि समझाना चाह रहे हैं महाराज प्राचीन भरिषित को कि देखिए ना, आप अभी लगे हैं भोग इंद्र तृप्ति में, मगर ये थोड़ा थोड़ा बुढ़ापा आ रहा है आपके ऊपर। तो बुढ़ापा ना ये राक्षसी के समान है। राक्षसी क्या करती है? सबसे पहले समाज में किसको अटैक करती है? देखिए कभी इतिहास उठा के देखिए, शास्त्र उठा के देखिए, जो कभी भी राक्षस राक्षसी आते हैं, सबसे पहले समाज में किस श्रेणी किस वर्ग को अटैक करती है? ब्राह्मणों को। वो आप पढ़ें, कृष्णा बुक पढ़ें, तो वहाँ पे वो जो वानर आता है, क्या नाम है उसका, जिसका बलराम जी ने उद्धार किया था, द्विविक है ना, तो वो जो गोरिल्ला है, तो क्या करता है वहाँ पे जितने भी ब्राह्मण हैं, वो जो यज्ञ कर रहे होते हैं उनकी यज्ञशालाओं को वो ध्वंस करने लग जाता है, उनकी यज्ञ सामग्री को उठा के फेंक देता है, और जो यज्ञ कुंड है उसमें सुषु पोटी करने लग जाता है वो। तो सबसे पहले ब्राह्मणों को तंग करते हैं राक्षस लोग, राक्षसी लोग। तो ऐसी शास्त्र बताते हैं कि ये जो जरा है, ये जो बुढ़ापा है, ये राक्षसी के समान है। तो ये भी क्या करती है? सबसे पहले ना जो द्विज है उनको अटैक करती है। द्विज मतलब शरीर का द्विज क्या है? आपका सिर। तो सबसे पहले बाल सफेद होंगे तो यहाँ पे अटैक करेगी जरा नाम की राक्षसी। तो बाल सफेद होने लग जाए, समझ जाओ ये संकेत है कि अभी समय आने वाला है। और फिर दूसरे द्विज को अटैक करती है ना ये राक्षसी, जरा नाम की राक्षसी। तो हमारे शरीर में एक ऐसी चीज है जो द्विज है। द्विज मतलब द्विजन्मा, द्विज मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब जिसका दूसरा जन्म हुआ है, उसी को द्विज बोलते हैं ना। हमारे इस्कॉन संप्रदाय में भी दो प्रकार की दीक्षाएं होती हैं, पहली होती है हरिनाम दीक्षा और दूसरी होती है ब्राह्मण दीक्षा। तो दीक्षा मतलब कि आपका दूसरा जन्म हुआ है। तो पहला जन्म तो कैसा होता है? माता के गर्भ से होता है, उसको सूकर जन्म बोला जाता है, मगर दूसरा जन्म हुआ है संस्कार से, आपका जन्म हुआ है कि हरिनाम संस्कार हुआ आपका, ब्राह्मण संस्कार हुआ, उसमें दूसरा जन्म हुआ आपका, तो द्विजन्म। तो ऐसी हमारे शरीर में भी एक चीज ऐसी है जिसको
द्विज बोला जाता है, द्विजन्मा बोला जाता है, कौन है वो? दांत। तो पहले दूध के दांत छोड़ते हैं हम, फिर उनका नया जन्म होता है। तो पहले ये जो जरा नाम की राक्षसी है इस द्विज को अटैक करती है, सिर जो है पूरे बॉडी का जो शिरोधार है इसको अटैक करती है, और फिर दांतों को अटैक करती है। तो ये इंडिकेशन है कि अब अटैक हो चुका है हमारी नगरी पे, है ना, काल कन्या का, जरा का अटैक हो चुका है। तो अब ये जो जरा है इसको देवतुल्य भी माना जाता है, इसको देवता भी के स्वरूप में माना जाता है। तो होता क्या है कि जितने भी देवता लोग हैं, ऋषि मुनि हैं, ये ज्ञान अर्जित करके ना विमद हो जाते हैं, कि जितना आपके पास ज्ञान आएगा ना, जैसे बोलते हैं ना कि जितना फलदायी वृक्ष उतना वो झुकता है, तो ऐसे ही अगर सच्चा ज्ञान आपने अर्जित किया है तो वो आपको झुकाएगा, मतलब आपके अहंकार को चूर चूर करेगा, आप भोग इंद्रिय तृप्ति को भूल जाएंगे। तो ऐसे ही ये जो जरा नाम की राक्षसी है ये भी क्या करती है, ये भी हमारे वीर्य को सुखा देती है। तो भोग इंद्रिय तृप्ति में हमें विमत बना देती है कि इच्छा तो है मगर हम भोग इंद्रिय तृप्ति अब कर नहीं पा रहे हैं, सुखा दिया है। तो इस प्रकार ये देवतुल्य भी है। और ये जो जरा है ना, ये गदा के समान है, जैसे देवताओं को ये गदा शोभा देती है, हाथ में गदा होती है ना, तो ऐसे ही ये जरा भी अपने गदा से हमें खूब दंड देती है। जैसे यमराज के पास भी एक दंड होता है, यमपाश दंड होता है ना, तो वो दूसरों को से दंड देती है, दंड देते हैं यमराज। ऐसी ये जो जरा है, ये जो बुढ़ापा है, ये भी हमें दंड देती है। तो पहले ही डंडा देती है ना, हाथ में डंडा दे देगी हमें कि बुढ़ापा आ गया है, और फिर इसी डंडे से हमें अपने कर्मों का फल देती है। तो यमराज भी क्या करते हैं, डंडे से सब लोगों को कर्मों का फल देते हैं। तो ऐसे ये जरा नाम का जो बुढ़ापा है, जरा बुढ़ापा है, ये हमें भी हाथ में पहले डंडा देता है, उसी डंडे से हमारे अपने कर्मों का फल भोगने को हमें प्रेरित करता है। और ये जो बुढ़ापा है ना, ये बालक के समान भी बताया गया, बच्चे के समान भी बताया गया है। बच्चे का शरीर बड़ा कोमल होता है, उसके दांत नहीं होते हैं, उसके बाल नहीं होते हैं। सोच के देखिए ना कितना पैरेलल है, कि जब बच्चे का जन्म हुआ तो बड़ा कोमल शरीर है, और उसको बोलना नहीं आता है, और चल भी नहीं पाता, पकड़ पकड़ के चलता है। बुढ़ापे में भी क्या होता है, शरीर बड़ा सॉफ्ट सा हो जाता है ना, अब वो शरीर में वो कठोरता नहीं रही है, बड़ा कोमल सा हो गया है, मुंह में दांत नहीं रहे हैं, पेट में आत नहीं बची है, और पकड़ पकड़ के चल रहे हैं, सुनना कम हो गया है, दिखना कम हो गया है। सब जैसे बच्चा किसी के ऊपर पूर्ण निर्भर होता है, ऐसे ही ना बूढ़ा व्यक्ति भी निर्भर हो जाता है। तो देखिए कितना कष्टदायी है। अब जो अपने लोग हैं वो हमें अपना नहीं मानते हैं, हमारा संग छोड़ना चाहते हैं, बोले कौन बार बार इसको देखता रहेगा, उस बुढ़ऊ को, है ना, अब ये बेड पे ये सब गंदा करता है, कौन इसको देखेगा। तो अपने लोग हमें बोझ समझने लग जाते हैं। जैसे बच्चे के मुंह से लार टपकती है, ऐसी बूढ़ों के मुंह से भी लार टपकने लग जाती है, क्योंकि दांत नहीं है, दांत संभाल लेते थे मुंह की लार को, मगर अब दांत नहीं है तो लार टपकने लग जाती है। तो ये सच्चाई है बुढ़ापे की, जो हम सबको झेलनी है। वैसे ये सब सामान्य वृद्धों की वार्ता है ना, वो भक्त जो हरि कथा में बैठते हैं ना, जो साधु संग करते हैं, उनके लिए कष्ट नहीं है। उनके लिए तो कोई भी आश्रम क्यों ना हो, कोई भी वर्ण क्यों ना हो, उसमें मस्त रहते हैं, क्योंकि हरि का भजन कर रहे हैं। मगर ऐसे लोग जो हरि कथा में नहीं बैठते हैं, उनके लिए ये सब कष्ट आने वाले हैं। इसलिए शास्त्र बोलता है कि अपनी जवानी में अपनी जीवा को ट्रेन कर लें हम हरि नाम लेने में। पता है क्यों ना, इसमें बड़ी गुह्य बात है, क्योंकि जीवा का काम क्या है, चपलता, वो चलेगी, चप्पड़ चप्पड़ करेगी, कुछ तो बोलेगी, और क्योंकि इतना चलाया हमने जीव को, तो जब बुढ़ापा आएगा ना, तो जीव रुकने वाली नहीं है, जीव को कुछ बोलना है। इसलिए जब बूढ़े लोग ना क्या करते हैं, वो आपस में अपना संगठन बना लेते हैं, देखा होगा आपने,
सर्दियों में बाहर बैठ जाएंगे धूप में, और फिर बताएंगे अपने किस्से सुनाएंगे। अरे तुम्हें पता है ना कितना बड़ा शूटर था मैं ना? तो सामने ना बंदूक एक होती थी, गोली एक होती थी, और निशाने दो होते थे। तुम क्या करते थे, बीच में वहाँ पे एक रख देते थे एक और कांटा, वो कांटे को छू के दो गोली हो जाती थी, और एक यहाँ से काटती थी, एक यहाँ से काटती थी ना? किससे सुनाएंगे अपने दबा के? तो रेवड़ियाँ गच्चे खा खा के ना किससे सुना रहे? क्यों? क्योंकि बोलने की इच्छा है, जीभ को चलाने की इच्छा है। और सोचिए उस समय ये काल आ गया ना, मृत्यु आ गई, तो जो जो चपट चपट कर रहे हैं वही मिल जाएगा, उसी भाव में प्रवेश हो जाएंगे। तो इसलिए अंत समय बोलने की तो इच्छा है, मगर अगर जवानी में भजन नहीं किया तो अंत समय में भजन नहीं हो पाएगा, हरि का नाम नहीं निकल पाएगा, ये गारंटेड है। तो इसलिए अभी से हम प्रयास कर रहे हैं अपनी जीवा पे हरि नाम चढ़ाने का, ताकि अंत समय में बेशक हम हमारे अंदर कॉन्शियसनेस ना हो, चेतना ना हो, मगर जीवा फिर भी चलती रहेगी, और जीवा पे क्या होगा, हरि का नाम होगा, और फिर अंत समय में हरि का नाम निकल जाएगा। तो अंत काले च माम एव स्मरण मुक्ता कलेव, कि अंत काल में जो मेरा नाम ले लेगा वो मेरे धाम पहुंच जाएगा। तो हाँ, पैसा बनाना जरूरी है, हाँ घर परिवार संभालना जरूरी है, मगर होता क्या है कि कई बार पैसा बनाने में हम इतना लग जाते हैं, इतने मदोन्मत हो जाते हैं कि शरीर का नाश कर लेते हैं, और अब फिर शरीर जब खराब होने लग जाता है, शरीर को बचाने के लिए हम पैसों का नाश करने लग जाते हैं, तो जो कमाया उससे कितना ही गुना ना उससे ज़्यादा निकलने में लग जाता है। तो हाँ, भागवत बड़ी कठोर है, उसके शब्द बड़े कठोर हैं, तो भागवत की बातें हो सकता है कि मैं आज इस क्षण एज इट इज उसको अपना ना पाऊँ, तो आई कैन डिले द वर्ड्स ऑफ भागवत, बट आई कैन नॉट इग्नोर। तो भागवत की जो चर्चाएं हैं, जैसे आज चर्चा हुई है कि हाँ हम सबको ये शरीर भी त्यागना है और घर भी त्यागना है, तो विरक्ति हमें लानी है, हमें वैराग्य लाना है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि हम आज ही वो करें। हम थोड़ा समय ले सकते हैं अपने सोशल बैलेंस को बनाने के लिए, अपने फाइनेंशियल बैलेंस को बनाने के लिए, मगर हाँ फाइनली वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर कि वी हैव टू टेक एक्सक्लूसिव शेल्टर ऑफ कृष्णा, कि भगवान श्री कृष्ण का के ऊपर पूर्ण निर्भरता हमें करनी ही पड़ेगी, वही हमारे जीवन का पूर्ण लक्ष्य है। कि अगर हरि को प्रसन्न करेंगे तभी हम प्रसन्न होंगे, संसिद्धिम हरि तोषणम, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान प्रसन्न कब होंगे, जब हम उनके ऊपर पूर्ण निर्भर हो जाएंगे, तो हम भी खुश रहेंगे, भगवान भी खुश रहेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। किसी का प्रश्न है कुछ? थैंक यू प्रभु जी आपके सुंदर प्रवचन के लिए। प्रभु जी आपने बड़ा अच्छा बताया मन के बारे में, आसक्तियों के बारे में, कि मन किस प्रकार से एक बच्चे की भांति है जो बड़ा जिद्दी है। प्रभु जी इसके अलावा मेरा क्वेश्चन ये था कि हमें ऐसे क्या करना चाहिए कि हमें हमेशा ये स्मरण रहे कि मैं मन का दास नहीं हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, नित्य कृष्ण दास। तो हमें ऐसा कैसे ये रियलाइज होते रहना चाहिए हमेशा? देखिए कई बार घर में चोरी हो जाती है, तो चोरी जब हो तो चोर को पता लगा सकता है कब, जब चोर बाहर का हो, पता कर लेंगे ना कि कौन आया था अंदर, कोई आसपास का कोई विटनेस होगा वो बता देगा कि देखो जी ऐसा कोई व्यक्ति आया था, ये पहना हुआ था, इतने समय पे आया था, और थोड़ी सस्पिशियस उसकी एक्टिविटी लग रही थी, और वही होगा चोर। मगर प्रॉब्लम तब आती है जब घर का बेदी लंकड़ आए, घर चोर घर का ही निकला है ना, चाचा का लड़का था भैया वही चोर आता था, तिजोरी की चाबी पता लगी उसको, वहाँ खोलता था निकाल लेता था पैसा। तो मन वैसे ही चोर है, अंदर का चोर है। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है कि इस चोर को हमेशा हमें अपने साथ ही रखना है। तो अब जब घर परिवार का ही चोर होता है ना, तो उसकी चोरी पे विश्वास करने के लिए हमें बड़ी स्ट्रांग कन्विक्शन चाहिए, क्योंकि कोई भी मानने को तैयार नहीं होगा, कोई आपका साथ नहीं देगा। चाचा बोले अरे मेरा बेटा, उसको कई कमी है क्या, वो चोरी करेगा तुम्हारे यहाँ?
पापा भी बोलेंगे अरे ऐसे थोड़ी बात, घर का बंदा कोई चोरी थोड़ी करता है, और आपको भी फिर लगने लगे बोले मेरे कुछ गलत फहमी होगी, ये थोड़ी चोरी कर सकता है। तो आपकी कन्विक्शन की जितनी स्ट्रांग होगी उतनी आसानी से या आप उससे दूर रह पाएंगे, उससे बच पाएंगे। तो ऐसे ही हमारी कन्विक्शन बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए कि ये जो मेरा मन है ये मेरा नहीं है, माई माइंड इज़ नॉट माइन, ये कभी भी दगा दे सकता है और अभी तक दगा दिया है ना, मेरा पूरा जीवन गवाह है इसका। कब कब मात खाई, कितनी बार मात खाई है इस मन से, कितनी बार हारा हूँ इस मन से, बस अब और नहीं। तो एक जगह वर्णन आता है बड़ा सुंदर, एक कवि बोलते हैं अब ना नशे हूँ, कि अब तक नशे में था मगर अब नशा नहीं करूँगा मैं, अब मैं जाग चुका हूँ, अब मैं उस नशे से उभार आऊँगा। तभी तो नशे में मैं ही सोचता था कि मेरा मन मेरा अपना है, हाय मेरा मन, हाय मेरा मन। मगर ये जो मन है ना, यही सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि वश में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। तो इसलिए दो काम करने हैं, सबसे पहले कि ये जानना कि मन मेरा नहीं है ना, उसे डिस्टेंस बनाना कि माई माइंड इज़ नॉट माइंड, और दूसरा उस मन को ट्रेन भी करना है। तो हम क्या करते हैं, भागवत जब पढ़ते हैं तो भागवत से ये रियलिटी पता लगती है कि मन मेरा नहीं है ना, मन शत्रु है। और दूसरा जब हरि नाम का भजन करते हैं तो ये पता लगता है कि इसको ट्रेन कैसे करना है, क्योंकि मंत्रा का सहारा लेते हैं जो मन को उतारता है। तो प्रभुपाद जी कृपा से हमारे पास दोनों ट्रिक्स हैं मन को कंट्रोल करने की। तो पहले हम भागवत पढ़ते हैं, जानते हैं कि मन की प्रकृति क्या है, मन बड़ा चंचल है, चंचलम ही मना कृष्णा परमाति बलवर्धनम, बड़ा खतरनाक है ये ना। तो मन ये तांत्रिक के समान है ना, नचाता रहता है मुझे, मुझे लगता है कि ये मेरे कंट्रोल में, मगर नहीं ना, कितने बड़े बड़े गुल खिलाए मेरे मन ने मुझसे, तो अब और नहीं। और दूसरा मुझे इस मन को कंट्रोल भी करना है, कैसे, हरि नाम करके। जितना हरि नाम गहरा होगा उतने आसानी से मन बैठा रहेगा, हमें तंग नहीं करेगा। तो मन शांत होना बहुत जरूरी है ना। भोक्ता राम एक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूता नाम ज्ञातवा माम शांति मृच्छति, वो व्यक्ति मुझे शांति को प्राप्त होगा जो ये जानेगा कि मैं ही भोगता हूँ। तो मन क्या बताना चाहता है कि मैं भोगता हूँ, मगर गीता बताती है, भागवत बताती है कि नहीं, हम भोगता नहीं, कृष्ण भोगता है। तो हमारी जब एक्टिविटीज़ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए लग जाती हैं तो मन शांत हो जाता है। तो जब भी हम डिवोशनल सेल्फलेस एक्टिविटीज़ करते हैं तो मन शांत रहेगा उस दिन, करके देखिए ना। कभी ऐसे कार्य भक्ति में भी जिसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से हम कुछ सेवा कर रहे हैं, उस दिन मन बड़ा शांत होगा ना, मन तंग नहीं करेगा आपको। मगर जब जब ऐसे कार्य करें ना जो सेल्फ मोटिव के लिए करें हैं, अपने इंद्रिय की तृप्ति के लिए करें हैं, तो मन हमेशा चंचल रहेगा, मन हमेशा भटकाता रहेगा हमें। तो प्रभुपाद जी ने संस्था दिया हमें ना, मौका भी दिया है, सेवा का मौका दिया है जहाँ पे हम निस्वार्थ सेवा कर पाएँ बिना किसी हेतु के, बिना किसी मोटिव के, तो उसे मन शांत रहता है। तो सुबह सुबह 4:30 बजे बताइए कौन उठता है जगत में ना, और उठ के आके ठाकुर जी के पास आके ना उनका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। पूरी दुनिया पागल है, यूट्यूब पे जाके देखिए ना, लोग अपनी जय जयकार करने में बहुत मजा आता है उनको। मैं भक्ति में लोग आके भी भूल जाते हैं कि क्यों क्या करने आए थे भक्ति में, अपनी वाहवाही अपना जय जयकार कर रहे हैं, भूल गए पर्पस को, भूल गए कि हम किसके लिए आए थे, हम तो कृष्ण की जय जयकार करने के लिए आए थे। अरे कृष्ण की जय जयकार करेंगे आपकी जय जयकार अपने आप ही होगी, आपको अपनी जय जयकार कराने की आवश्यकता नहीं। कृष्ण बोलते मैं भोपू लेके चौराहे पे चला जाऊंगा, उस व्यक्ति की जय जयकार करूंगा जो मेरा नाम कर रहा है, मेरा नाम मेरी कथा कर रहा है, तो भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन हावी हो गया, मन को डोज नहीं मिली। तो ऐसी कई बार भक्ति जीवन में लोग 20-20 साल 30-30 साल लगा देते हैं, फिर बोलते हैं हरि नाम का फायदा क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि हरि नाम निस्वार्थ भाव से किया नहीं हमने, हरि नाम या तो दिखावे के लिए किया या जैसा डोज बताया गया था वैसा नहीं लिया हमने ना, जो फ्रीक्वेंसी से बताया था और जो अटेंटिवनेस से बताया था वो नहीं किया हमने। तो इन अटेंटिव चैंटिंग करी फिर उस वैसा लाभ नहीं मिलेगा, हेतु के लिए नाम जप किया उसका लाभ नहीं मिलेगा। और अगर ध्यानपूर्वक नाम जप कर रहे हैं तो मन का शांत होना निश्चित है। कितने सारे आचार्य हमारे ना, इतना हरि नाम लिया है और मन कहीं विचलित नहीं हुआ। हरिदास ठाकुर के सामने वैश्य आके बैठी रही, वैश्य को भक्त बना दिया उन्होंने, क्यों? क्योंकि नाम भजन बहुत गहरा था। तो
तो ऐसे लोग खुद तो प्रभावित होना क्या, दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं वो भक्ति के लिए, उनको उनकी चेतना को जगा सकते हैं। इसलिए मन शांत होना बहुत जरूरी है। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन की यात्रा पे जा रहे हैं तो गदाधर पंडित और बाकी जो भक्त हैं उनसे अनुरोध करते हैं कि महाप्रभु अकेले मत जाइए, आप किसी व्यक्ति को साथ लेके जाइए, आप कोई सर्वेंट साथ हो ना जो आपका खाना पकाए, जो आपके साथ रहे, आपका झोला उठा ले। तो महाप्रभु बोलते हैं नहीं, मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं अकेला चला जाऊँगा। बोले कि देखो आप हमसे पूछ के जा रहे हैं तो हमारी एक इच्छा तो मान लो। महाप्रभु बोलता ठीक है, अब मुझे एक सर्वेंट दे दो, मगर ऐसा सर्वेंट देना जिसका मन शांत हो, क्योंकि पहले मैं भुगत चुका हूँ। पहले एक सर्वेंट को भेजा था काला कृष्ण दास, उसका मन भटकता रहता था, तो इसलिए शांत मन वाला सर्वेंट मुझे दो। तो माइंड शुड बी स्टेबल। तो ये पूरी गीता इसीलिए है ना, मन को शांत करने के लिए। पूरा भजन का प्रोसेस इसीलिए है मन को शांत करने के लिए। बट इट मे बी डिफिकल्ट, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। समय लग सकता है मन को शांत करने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए, मगर असंभव नहीं है प्रोसेस ना, क्योंकि हमारे आचार्यों ने ये प्रोसेस दिया है और खुद करके दिखाया है। प्रभुपाद जी एक ही क्वेश्चन, हाँ, फ्रांस में थे एक बार और प्रभुपाद जी को पता लगा फ्रांस में न्यूड बीचेस होते हैं, मतलब कि ऐसी जगह, ऐसे बीचेस जहाँ पे लोग ना छोटा कपड़ा भी नहीं पहनते अपने शरीर पे, पुरुष छोड़िए माता भी नहीं पहनती है, लेडीज़ भी नहीं पहनती है। प्रभुपाद जी बोले ठीक है वहीं चलेंगे, प्रभुपाद वहाँ चलेंगे, आप साधु हैं वहाँ वहाँ क्या करेंगे ना, और कितनी शर्म लगेगी वहाँ पे जाके ना, यू फील सो एम्बेरेस्ड। प्रभुपाद वहाँ जाने की जगह नहीं है वो साधुओं के लिए। प्रभुपाद बोले नो विल गो देयर, विल प्रीच ओवर देयर, हम वहाँ पे हरी नाम करेंगे। प्रभुपाद जी वहाँ पे लोगों ने कपड़ा नहीं पहना हुआ है ना, क्या कितना भद्दा है वहाँ पे एनवायरमेंट। प्रभुपाद बोले डू नॉट वरी, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ माया, मैं माया से डरता नहीं हूँ। तो प्रभुपाद जी गए वहाँ पे, प्रचार किया, क्योंकि मन शांत है, मन विचलित नहीं हुआ उनका। बेशक वहाँ नग्न स्त्रियाँ खड़ी थी, बट ही वॉज सो फोकस्ड, ऐसी एकात्म बुद्धि थी, एकनिष्ठ भुक्ति थी उनकी कृष्ण में, तो प्रभावित नहीं कर पाया, क्योंकि इतना नाम भजन किया है, कृष्ण की चेतना में है प्रभुपाद जी, तो फिर क्यों क्या बिगाड़ लेगा, माया क्या ही बिगाड़ लेगी, माया तो दासी है कृष्ण की। तो मम माया दुरते आया, बट माँ में भी प्रपदंते माया में तम तरंती थे, कि जो मेरी माया तो बड़ी खतरनाक है भगवान बोलते हैं, मगर जो मेरी शरण में आ जाता है उसके लिए माया को पार कर पाना बहुत आसान है। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू। ओके ठीक है, यहीं पे विराम देते हैं, समय काफ़ी हो गया। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, आई को प्रेमानंदे।